इसे चमत्कार नहीं कहेंगे, इसे जनता का प्यार कहेंगे, क्योंकि जब जब मुनव्वर पर आफत आई है तब तब जनता ने अपनी पीठ लगाई है। आवाज दो, हम एक हैं, हल्ला बोल, हल्ला बोल। दोस्तों, ऐसा ही कुछ सोशल मीडिया पे इस वक्त हाल है। वी स्टैंड विद मुनव्वर फारूकी, ये चल रहा है। आइए इस वीडियो में आपको बताता हूं कि आखिरकार क्या है माजरा। स्वागत है चैनल दिल्ली खजाना में, मैं हूं आपका यार का यार होस्ट राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। मुनव्वर फारूकी का शो डोंगरी टू नोवेयर दोस्तों पुणे शहर में बैन हो गया है। बजरंग दल वालों ने बोला है कि मुनव्वर फारूकी को हम शो करने नहीं देंगे, चाहे दिस और दैट, ये या वो हम लोग नहीं करने देंगे, बस। तो 15-16 तारीख का जो शो था मुनव्वर फारूकी का, वो बैन हो गया है। अब ऐसे में आप लोगों को बता दूं दोस्तों, तो मुनव्वर का शो जहां एक तरफ बैन हो गया, वहीं दूसरी तरफ मुनव्वर का भी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट आया जिसे पढ़ के ऐसा लगा कि ही इज क्वाइट अपसेट बाय दैट, राइट। लेकिन जनता, जनता वो है जिसने मुनव्वर फारूकी को जिताया, जनता वो है जिसने मुनव्वर को सपोर्ट किया। और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये वही जनता है जो कि वी स्टैंड विद मुनव्वर फारूकी चला रही है। इंडिया ट्रेंडिंग लिस्ट में टॉप 5 में है दोस्तों ये ट्विटर पे ट्रेंड, और जिसे 3 लाख से ज्यादा, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, 3 लाख से ज्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, एकदम दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों मुनव्वर फारूकी भी, एक हैशटैग मुनव्वर फारूकी भी ट्रेंड कर रहा है, एक हैशटैग वी स्टैंड विद मुनव्वर फारूकी भी ट्रेंड कर रहा है। तो ओवर एंड ऑल अगर देखा जाए तो जनता उसमें यही कह रही है कि यार अब तो उसने लॉकअप भी जीत लिया, उसने जो है इतने अच्छे शोज करे, उसने पब्लिकली माफी भी मांगी है, और प्लस उसने लॉकअप में भी अच्छा प्रदर्शन किया था, तो क्यों उसके साथ इस तरीके की बातें की जा रही है, क्यों पास के उन गड़े मुर्दों को फिर से उखाड़ा जा रहा है, उनकी कब्र फिर से खोदी जा रही है, व्हाई। दोस्तों आपको क्या है कहना, आप किसके सपोर्ट में हैं जरूर कमेंट सेक्शन में लिख डालिएगा, और जल्द मुनव्वर आएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ये मुनव्वर जुगाड़, और डेफिनेटली वो आएगा पुणे में। सो यस, कमेंट सेक्शन में जाएं, बिंदास मुझे बताएं, चलता हूं।